नहीं समझ आता ना, वो है ब्लू, रॉयल ब्लू वो है जो मेरा सेकंड नंबर का सबसे फेवरेट कलर है। ये रॉयल ब्लू जो पहनी है, हाँ ये है मेरा सेकंड नंबर का सबसे फेवरेट कलर। तो सेकंड नंबर का, तो फर्स्ट नंबर का मेरे को क्या पता, फर्स्ट नंबर भी है ब्लैक। तो ब्लैक तो खैर यूनिवर्सल हो गया। तेरा कौन सा है फर्स्ट नंबर का फेवरेट कलर? मेरा फर्स्ट ब्लैक है, उसके बाद सेकंड कुछ नहीं है भाई। मेरा एक ही है, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की रेटिंग नहीं करता बैठता मैं। यार मेरा थर्ड नंबर भी है। थर्ड नंबर क्या है? ग्रे। अच्छा किसको फर्क पड़ रहा है इससे? ये और बता दे। लोग जा रहे हैं वापस दिल्ली से। ओ बेटर पे है, बेटर नहीं, बेटर पे बेटर है, एक टावर मिल गया। वी आर सॉरी ब्रो, हम देख नहीं पाए, हम नेक्स्ट टाइम आएंगे जब तुम्हें जरूर देखेंगे पास से। पहुंच गए भैया हम लोग एयरपोर्ट, और जल्दी से बस यहाँ से अक्ताओ की फ्लाइट लेंगे। ये अपनी एयरिंग्स दे रही है दूसरे को, एक लड़की को, बिकॉज उसको बहुत अच्छी लगी अली। उसको समझा रही है पहले कि शी हैज़ अनदर पेयर ऑफ एयरिंग्स सो शी कैन कीप दिस। रख ली उसने, रख ली। अरे 03 यही है अपना बाय द वे। ये है हमारा गेट जहाँ से डिपार्ट होगी हमारी फ्लाइट, और अभी हम एक है कॉफ़ी शॉप टाइप की जगह पे जहाँ पे हमने एक डोनट और एक कॉफ़ी ऑर्डर की है। एंड सबसे बड़ा एक्चुअली ड्रॉबैक है इस कंट्री का मैं बताना चाह रहा था, जो कि जिसके कारण आई गेस आई फील कि क्यों टूरिज्म नहीं बढ़ पा रहा। मेजर प्रॉब्लम मुझे लगी, एक तो वेजिटेरियंस के लिए तो भूल ही जाओ, इवन एगिटेरियंस के लिए ये कंट्री में खाना पीना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, मतलब कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है, शुगर ये रहना, शुगर नहीं है। अरे यार यू हैव शुगर, शुगर अच्छा ऑन द टेबल, ऑन दी भव्या टेबल में बेटा, यहीं पे कहीं है, ढूंढ, ढूंढने से भगवान ही मिलेगा, ढूंढ। ओके कहीं और से ला रहा हूँ, थैंक यू। सो बेसिकली मैं बोल रहा था एगिटेरियंस के लिए भी नहीं है ये देश, और मतलब घर से ही कुछ जुगाड़ करके लाना पड़ेगा आपको, वरना तो वेजिटेरियंस तो खैर भूल ही जाऊँ। क्योंकि यहाँ पे हर सैंडविच कुछ भी हो, यहाँ पे नॉर्मल चिकन भी नहीं, टर्की और ये हॉर्स मीट और पता नहीं किस किस जानवर के सारे सैंडविच, हॉट डॉग सब मिल जाएंगे। वेजिटेरियन बेचारे 60 किलो के होने के बाद भी अब डोनट खाने पर उतर चुके हैं। हाँ तो डाइटिंग वाइटिंग तो भूल ही जाओ, यहाँ के जो मिल रहा है वो खा लो। और इसकी भी पिक्चर, अरे क्या बात है भाई, मतलब जान जाए लेकिन पिक्चर ना जाए। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे मैडी को ब्रेड में बटर लगाते हुए, वो भी उंगली से। आई ट्राइड इट विद दिस स्टिरर, लेकिन मैडी ने सीधा अपनी उंगली यूज कर ली। कुछ तो खाएगा ही आदमी भाई, भूखा मर जाऊं क्या? हैप्पी वेरी। ये फ्लाइट है हमारी, ये तो नॉर्मल जैसे अपनी होती है इंडिगो की वैसे ही है। दिख रहा है तो अक्ताओ ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हम, हो चुके हैं हम लोग अक्ताओ में अराइव। और इससे छोटा एयरपोर्ट मैंने जिंदगी में नहीं देखा, और भव्या को मिल गई लगता है फिर से क्यूट बच्ची। मतलब ये एयरपोर्ट इतना ही है, सिर्फ ये इतना है यहाँ पे, और ये बेल्ट एक ही बेल्ट है सोचो, यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसे जा रही है, दो लिखा जरूर है लेकिन जा एक ही रही है। तो बड़ा फनी सा एयरपोर्ट है क्योंकि पूरे एयरपोर्ट में एक भी छोटी सी शॉप या ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं किसी से पूछना चाह रहा था कि वॉशरूम कहाँ पे है, तो कोई है ही नहीं। हाँ मतलब यहाँ से सामान लो सीधा, यहाँ से घुसो सामान लो और सीधा बाहर, ये एग्जिट है। कैब मिल गई है यहाँ पे, सबसे एक्चुअली इजीएस्ट चीज़ है कैब ढूंढना, क्योंकि बहुत ही, और कैब वाले बहुत ही इज्जत से आपको वेलकम करते हैं, सामान रखते हैं। एक चीज और, कजाकिस्तान के अंदर ही दो टाइम जोन है, तो यहाँ आकर के एक घंटे मतलब हमको पीछे आना पड़ा, मतलब वहाँ पे अस्थाना के हिसाब से हमारी घड़ियों में 9 बज रहे थे, बट यहाँ उतरते पता लगा दूसरा टाइम जोन चल रहा है तो 8 o'clock हो रहा है। हम पहुंच गए हमारे होटल में, इसका नाम है कैस्पियन रिवेरा ग्रैंड होटल, एंड ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। एंड यहाँ देख सकते हैं जो मैं बोल रहा था बार बार, अस्ताना का टाइम अलग है, अक्ताओ का टाइम अलग है, एक घंटे का डिफरेंस है। सो ये है हमारा रूम, ये है छोटा सा बाथरूम, उसके बाद ये है हमारा रूम, स्पेशियस है बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा। ये है हमारा होटल, यहाँ से हम निकले अंदर से, और ये व्यू देखिए आप। वो हो ये क्या भाई, ये हम लोगों ने सोचा था कि रेस्ट करेंगे, बहुत थक गए हैं, लेकिन सडनली हम सी को देख के एक्साइटेड हो गए, और मैडम हो गई अपने पोशाक में रेडी 2-4 सेल्फी लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो भाई क्यों डे वेस्ट करना, वैसे भी 2 ही दिन तक है। ओ एक्वेरियम, ओ ये एक्वेरियम की बात कर रहा था वो, अरे तो वही वाला है, लंच और डिनर। हाँ राइट राइट राइट, अपन को लेकिन यहाँ जाने नहीं था। ओ देख भैया नीचे भी है, और हमको जाना है वहाँ पे
जो दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत सा कुछ। यहाँ पूरा कैस्पियन सी है, ये होटल है। जाना कहाँ से भाई? यहाँ डोर तो है पर ये बंद है। फिर से हमारा कट गया है क्योंकि होटल के अंदर से एंट्री शायद एक स्पेसिफिक टाइम तक रहती है, उसके बाद आपको अगेन होटल के बाहर से जाना पड़ेगा। अपन को बाहर से जाना पड़ेगा ऐसे करके पूरा। ये आ गए हम होटल के बाहर, यहीं से तो जाना पड़ेगा भाई अपने को, जहाँ से हम जाना चाहते हैं। अगर नहीं भी गलत भी हो तो ये ब्रिज है ना भाई, ये ब्रिज से वहाँ चले जाएंगे। अच्छा हाँ, जा तो रहे हैं लोग, आ जा गिर मत जाना भाई। अरे शिट, बहुत स्लिपरी यार ये तो। ओह शिट, बहुत स्लिपरी है तो। ओके इसको पकड़ के चलें, बट चलो थैंक गॉड लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। सही है भाई, ये देखो लड़की भी स्लाइड कर रही है। बोलो बोलो, मेरी आवाज आ रही है, मैं गिरते बची, मुंह के बल गिर जाती हूं, टूट जाता। इसको मैंने वीडियो पॉज करके बोला भी कि थोड़ा तेज बोला, अपने पास माइक नहीं है तो ये हाँ, पागल ही हो गई उसके बाद। ओह ये सी है भव्या, जो कि कुछ नहीं दिख रहा। सुबह बहुत अमेजिंग दिखेगा, हम सुबह का शॉट अलग लेंगे। चलो हम लोग यहाँ करते हुए आए हैं, ये पूरा चलते हुए आए हैं, और ये देखो नज़ारा, वो रहा हमारा होटल, रात को ऐसा दिखता है। और ये दिन में एकदम ही अलग टाइप का अच्छा दिखेगा, जो कि मैं आपको दिन में ही दिखा पाऊंगा, बट ये रात को देखो क्या दिख रहा है यार। सी में उतरने की जगह भी है, यहाँ से डायरेक्ट सी में उतर सकते हो आप, जो कि अभी हम रात को बंदरपंती नहीं करेंगे। हैं यहाँ पे बैरियर नहीं है, इट्स लाइक बैरियर नहीं है, सीधा कूद सकते हैं। कूदने के लिए क्या बैरियर नहीं है, मतलब कोई ड्रंक आदमी दौड़ता हुआ है सीधा ही कूद जाए यहाँ से। सो हमको लग रहा है कि इतना जब खूबसूरत लग ही रहा है तो एक बार वहाँ जाकर आने की तो बनती है। ये देखिए पूरा, अगर आपको दिख पा रहा हो तो। किससे बात कर रही है, क्या हो गया? अरे बोलूं, कैस्पियन सी से बात कर रही है, क्या बात है, सब पागल हुए हैं यहाँ पे आके। प्लान चेंज कर दिया हमने क्योंकि वो बहुत दूर लग रहा था हमें, धीरे धीरे जाते आते, और फिर लगा कि दो दिन तो और हैं ही तो कल चले जाएंगे। और मैडम का हिडन एजेंडा ये लगा कि शायद ये एक आध ड्रेस और चेंज करेंगे तो इनको पिक्चर चाहिए होगी पक्का। 100% ये रीजन था, वरना तो जिंदगी में नहीं बोलती। ए देख देखो कुछ ऐसा है, कुछ गुफा टाइप है क्या? धूल है, वरना मैं धूल वाली बात नहीं है, रात है भाई, कुछ अंदर से शेर का बच्चा निकल आएगा, शार्क का बच्चा निकल सकता है वहां से। हम लोग बेसिकली अपने वापस जा रहे हैं होटल, वो हमारा होटल है ये, यहाँ से ऐसे करते हुए पूरा वहां से ऐसे चढ़ करके वहां जाना पड़ेगा होटल। बस सुबह उठे अभी, चूंकि सैटरडे है और हमारे पास यहाँ की टेंगीज जो करेंसी थी वो खत्म होती जा रही है, हम डॉलर्स लेके आए थे तो डॉलर्स अभी भी हैं, तो अभी बस पहले जाएंगे करेंसी एक्सचेंज करेंगे, हाथ में रोकड़ा होगा तो घूमने मजा आएगा, उसके बाद जाएंगे कैस्पियन सी। मौसम है बहुत सुहाना और हम जा रहे हैं अब करेंसी एक्सचेंज, जो कि यहाँ से कुछ है 1.5 किलोमीटर। हमने कैब बुक की है बट वो कैब पता नहीं कहाँ चली जा रही है। तो हम है एक बैंक सॉर्ट ऑफ जगह में जहाँ क्लोज हो गया है बैंक, और इसके पहले हम गए थे करेंसी एक्सचेंज में, जहाँ पर $300 हम $1,000 लेके गए थे एक्सचेंज कराने के लिए, जिसमें हमारे $300 ही एक्सचेंज हुए, क्योंकि बाकी सारे डॉलर्स में 100 के जो नोट्स थे उन सारे डॉलर्स में कहीं पेंसिल का निशान है तो भी एक्सेप्ट नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं, स्लाइड सा भी हल्का सा भी इंक लगी है, छोटा सा भी एक बूंद भी लगी है ना, दे विल नॉट एक्सेप्ट इट। सो प्लीज जो भी डॉलर्स लेके आ रहे हैं देखिए अच्छे से कि क्लीन है कि नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी बार प्रॉब्लम हुई है। तो लेकिन अभी हमारे पास जो डॉलर्स बचे हैं जो चल नहीं रहे हैं उनको हम बैंक में चेंज कराना है, जो कि बैंक बंद है तो परसों कराएंगे, लेकिन अभी हमारे पास चलो $300 तो है, उसको हमने चेंज करा लिया है। सैटरडे संडे हाँ मोस्टली सारे बैंक्स बंद रहते हैं, लेकिन चलो अभी तो हमारा सॉर्टेड है अभी तो, हम क्योंकि $300 और पहले के भी कुछ हमारे पास बहुत सारे बचे थे टेंगीज, और एक दो दिन तो निकल जाएंगे, फिर हम परसों से वापस एक बार एक्सचेंज करा लेंगे। ये तो देखो गजब ही हो गया, हम बैठे थे अपने होटल में और ये देखो क्या आ रही है, शोले आ रही, वो भी कजाकी लैंग्वेज में। सनलाइट भी जा चुकी है पूरी की पूरी, वहाँ से जंप कर रहे हैं, वहाँ भी चलते हैं। मुझे खाना था डोनट, खाना नहीं था और कुछ मिल नहीं रहा खाने के लिए। पिक्चर ले रहे हैं अगेन ये लोग, हाँ हम अमेरिकन, हम कैसे अमेरिकन, हम अमेरिकन कैसे दिख रहे हैं भाई। बहुत भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है, को जाना है तो जा, मेरे को सेफ नहीं लग रहा वहाँ, मत जा भाई, मेरा मोबाइल ही फेंक दिया किसी ने, क्या करेंगे इन लोगों को, खुद पे तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो बच्चे ने मेरे को बोला कि आनंदी सीरियल उसको पता है।